हाँ तो दोस्तों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, मस्त रहो। आज मैं फिर अपनी छत पर हूँ और गोलू खाना खा रहा है। मुर्गियों को मैं खोल चुकी हूँ, वो भी खाना खा रही हैं, अपना अपना पत्ते खा रही हैं। और देखिए, कुछ पानी पी रही हैं। देखिए, देखिए कुछ पानी पी रही हैं। उधर प्यास लगी होगी ना इनको। अरे, खाना खा रही हैं। और आप सब कैसे हो दोस्तों? जब से फार्म हाउस की बागडोर मैंने अपने हाथों में ली है, जब से लाई मत करो, जब से इस फार्म हाउस की बागडोर मैंने अपने हाथों में ली है, तब से बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत अच्छी मतलब हो गई हैं मेरी मुर्गियाँ, मोटी, माशाल्लाह मोटी ताज़ी भी हो गई है, और अंडों की मात्रा भी काफ़ी बढ़ गई है। बीमारियाँ भी नहीं हैं, पहले बहुत मात्रा में मुर्गियाँ मर रही थी, रोज़ 5, 4, 3, 2, रोज़ की रोज़ ऐसे ही हाल था। और अब माशाल्लाह नज़र ना लगे, अब वो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है। देखिए, मुर्गी अंदर बैठा है, अब गोलू भी खाने खा रहा है। अब मौत की संख्या ख़त्म, 0 हो गई है। भाई, जो कुदरत में लिखी है वो तो होगा ही, मगर बीमारी से या कोई परेशानी से अब ये नहीं, इनकी मौतें नहीं हो रही हैं। क्योंकि पहले ये फार्म हाउस मेरे हस्बैंड संभालते थे, तो वो बस जैसे संभालते थे वो उनके हिसाब से था, बट अब मैं संभाल रही हूँ। तो जितनी भी ये मुर्गियाँ हैं तो अभी स्वस्थ हेल्दी है। थोड़ी बहुत अभी परेशानी और भी है, तो जो वो भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैं इन्हें देसी ट्रीटमेंट कर रही हूँ। क्योंकि कुछ लोग, कुछ तो आप मुझे गाइड करते हो, आपकी गाइडनेस भी ज़रूरी है, तो जो आप गाइड करते हैं ना उसे मैं फॉलो करती हूँ। और कुछ वीडियो से, आसपास से जो और भी बहुत ज्ञान मिल जाता है मुझे, तो उसको भी मैं लागू कर रही हूँ। तो ये बात है कि जैसे ये पहले अंडे बहुत कम दे रही थी, मतलब जैसे भाई इन मुर्गियों को हमने पाला किस लिए है? मतलब सबको होता है 2 पैसे का लालच कि भाई अगर हम कुछ किसी चीज़ में पैसे लगा रहे हैं बिजनेस में, तो थोड़ा थोड़ा रिटर्न भी तो चाहिए। तो ये मुर्गियों को पाला हमने इसलिए था कि हमें अंडे अंडे इनसे अंडे चाहिए थे, और अंडे हम सेल कर सकें। लेकिन ये अंडे दे ही नहीं रही थी, और दे भी रही थी तो कभी 1, 2, 3, 4 पैके बंद, ज़्यादा से 4 अंडे। और इनके खाने पीने में जिससे ज़्यादा खर्चा आ रहा था, क्योंकि अभी देखिए 32 रुपये किलो तो बाजरा ही है, अब समझिए आप कितना बाजरा आता होगा इनके लिए। और गेहूं भी आते हैं, चावल भी आते हैं, सब खरीदने तो पड़ता है। तो कम से कम इतना तो ये, मतलब हम सोचते हैं कम से कम इतना तो ये अपन इनके अंडे बिक जाएँ, कि इनके खाने पीने का तो कम से कम उससे निकल ही जाए। लेकिन इतना भी नहीं हो रहा था, क्योंकि ये अंडे बहुत कम दे रही थी। फिर हमने इन्हें फ्री खानों पे लगा दिया, जैसे कि ये पत्ते फ्री के हैं, और टमाटर, खीरे, इधर इधर इधर। तो क्योंकि ये कि भाई इनका वो कम हो, ये मतलब इसमें हमारी लागत कम लगे और प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो वैसे भी इसी खाने में ज़्यादा खुश रहती हैं। तो फिर फैला दे कचरा, फैला दे, भले से साफ नहीं खाना है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि मतलब खाने में भी पैसे कम लगे, तो ये फ्री है, ये हरी सब्जियाँ जो मंडी में फ्री फ्री में ही मिल जाती हैं, और पत्ते वगैरह और टमाटर, खीरे, जो भी इंसान लोग खाते हैं वही सब, तो वो ला देते हैं हम। कभी टमाटर, कभी पत्ते तो रोज़ की रोज़ आते ही हैं, और बाजरा भी है, क्योंकि पत्ते ठंडे होते हैं। देखिए, लहसुन खा रही हैं, वो लहसुन खा रही हैं, जो मैंने लहसुन डाला वो खा रही हैं। तो पत्ते तो फ्री ही हैं, तो
बाजरा है तो गर्म है, ये ठंडे हैं, तो दोनों को मिलके तापमान सही हो जाता होगा। अब देखिए वो पानी पी रही है। तो दोस्तों जैसे इनमें बहुत बीमारियां भी होती हैं, तो हमें पता ही नहीं होती कौन कौन सी बीमारियां इनके अंदर है, क्यों तो वो उस बीमारी के चक्कर में भी अंडे कम देती हैं। जब मैंने इस देखा और मैंने ये बहुत बारीकी से समझने की कोशिश की कि अंडे क्यों नहीं देती हैं ये, सब तो उन्हें मैं खाने को दे रही हूँ फिर अंडे क्यों नहीं देती हैं, तो फिर मैंने गौर किया। तो फिर मैंने इन्हें लहसुन खिलाना शुरू कर दिया। मैं इन्हें लहसुन खिलाती हूँ क्योंकि वो लहसुन भी फ्री में ही है। हमारे दोस्त आ गए हैं, देखिए अब कहाँ बैठे आ जाके हैं, आज यहाँ आके बैठे। हाय हाय बाबू, रोज आना है इसको मेरी वीडियो में, आज ही वहाँ बैठ गए जाके। देखिए दिख रहा है आपको, बैठ जा मेरे पीछे पीछे आना इसे। तो ये अंडे इसलिए नहीं दे पा रही क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, मैंने समझा कुछ तो प्रॉब्लम है। जब से मैंने लहसुन खिलाना शुरू किया तब से इनके अंडों की तादाद बढ़ गई। जहाँ ये दिन में जैसे 3-4 अंडे दे रही थी, अब ये 13-14 अंडे दे रही हैं। तो अगर 14 अंडे रोज़ दे रही हैं ये, मतलब एकदम से नहीं देती हैं, जैसे सुबह 2-3 ले गई, फिर दोपहर में आई, फिर 2-3, शाम में 4-5, ऐसा करके इस तरह से 13-14 अंडे हो जाते हैं, ऐसे इकट्ठे नहीं देती हैं, राउंड मारना पड़ता है ऊपर छत पे आके। कभी जब थोड़ी थोड़ी गैप पे मैं आती हूँ अंडे लेके चली जाती हूँ, है ना। तो इसे जब से मैंने लहसुन खिला रही हूँ, बाजरा भी गर्म ही होता है मगर, लेकिन जब से मैंने लहसुन खिला रही हूँ ना, तब से परिवर्तन बहुत ज़्यादा आ गया है। क्योंकि जो लहसुन होता है ये अगर पेट में कीड़े होते हैं मुर्गियों के, कीड़े लहसुन से भी मर जाते हैं और गुड़ के पानी से भी मर जाते हैं। तो मैं दोनों कर रही हूँ, गुड़ का पानी भी पिलाती हूँ और क्या कहते हैं गैप गैप पर, एक दफ़े नहीं रोज़ नहीं, 2-3-4-5 दिन के बाद गुड़ का पानी खिला देती हूँ। लहसुन भी आज खिलाया कल खिला, लहसुन का एक दिन की छुट्टी मार के एक दिन लहसुन खिला देती हूँ। रोज़ पूरा लहसुन नहीं खिलाती मैं, जैसे आज लहसुन खिलाया कल नहीं खिलाऊंगी परसों फिर खिला दूंगी ऐसे। तो जब लहसुन के बहुत बेनिफिट हैं, तो जब से ये लहसुन खा रही है ना, तो जैसे इनके पेट के जो कीड़े होते हैं, जब पेट के कीड़े होते हैं तब भी ये अंडे नहीं देती हैं, ये मैंने नोट किया। अगर इनके पेट में कीड़े हैं तो तब भी ये अंडे नहीं देती हैं, अगर ये खाना पेट भर के नहीं खाती तब भी अंडे नहीं देती है। आपस में लड़ती भी तो हैं, आपस में चोट मार लेती है एक दूसरे के साथ, तब भी अंडे नहीं देती हैं। अंडे ना देने के बहुत सारे रीज़न हैं। तो सब चीज़ को मैंने देखा, गौर किया कि ये अंडे क्यों नहीं दे रही हैं। बहुत सी मुर्गियों के ना जुएँ हो जाती हैं, मगर मेरी वाली के तो जुएँ नहीं हैं, सुंदर साफ सुध हैं। तो सुना है कि अगर जुएँ हो जाती हैं तब भी अंडे नहीं देती हैं। अगर इनको दस्त हो जाए, डायरिया हो जाए, मतलब जैसे लैट्रिन करती हैं ठीक, लेकिन कभी कभी बहुत पतली सी लैट्रिन करती हैं, दस्त हो जाते हैं, डायरिया जैसे कि उस वाली मुर्गी के भी हुआ थे, अब ठीक हो गई है वो, तो फिर भी अंडे नहीं देती है ये दस्त में। वैक्सीनेशन लगाओ तो वैक्सीनेशन भी बढ़िया है, लेकिन उससे ना मुर्गी कमज़ोर हो जाती है वैक्सीन लगने से। तो मैं ज़्यादातर सोचती हूँ, एक और आ गया, एक वहाँ बैठा, देखो उसका पति वो नाचने लग गया था देख के, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, ये आ गई, दोनों आ गए साथ में, अपनी दुल्हनिया को देख के चक्कर काटने लग गया महाराज। ठीक है ठीक है, वैक्सीनेशन से ना मुर्गियाँ थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि वैक्सीनेशन के बदल इन्हें कुछ घरेलू नुस्खे ही अपनाए जाए, क्योंकि मेरी मुर्गी अब ज़्यादा तो है नहीं। एक भाई पूछते हैं कमेंट्स में, बार बार यही पूछते हैं कि आपके पास कितनी मुर्गियाँ हैं, कितनी मुर्गियाँ हैं। भाई गिनना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब मैं गिनती हूँ तो ये आपस में दूसरे में मिल जाती हैं, ठीक है, ये आपस में दूसरे में मिल जाती हैं। लेकिन पहले जब हमने खरीदी थी तब ये 150-200 मुर्गियाँ थी, तो उसमें 50 मुर्गे समझ लो, 50 मुर्गे जो बड़े हो गए थे अच्छे खासे सुंदर, तो उन्हें हमने सेल कर दिए थे क्योंकि इतनी मुर्गों की हमें ज़रूरत नहीं थी। तो हमने
50 मुर्गे सेल कर दिए थे और 4 मुर्गे फिर भी बच गए थे उसमें से, तो 2 तो अभी भी है मेरे पास और 2 मर गए। बाकी मुर्गियाँ जो 150 थी, तो वो पता नहीं, जब मुझे नहीं पता था कि कैसे मौतें हो रही हैं, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड संभालते थे ये, तो मैं नहीं संभालती थी, तो मुझे नहीं पता था कि मौतें कैसे हो रही हैं। तो अब जब मैं इसमें आई हूँ लाइन में, अब तो अब मैंने वीडियो बनाई थी एक, मैं बनाती रहती हूँ, मैं तो एक यूट्यूबर हूँ ना, मैं वीडियो बनाती रहती हूँ अपने काम की भी, अपने फार्म हाउस की भी, तो मैंने बना के डाल दी, तो बहुत सारे भाइयों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, तो मैं समझी कि हाँ भाई, इसके लिए भी बहुत तगड़ा ज्ञान चाहिए, हल्के फुल्के से काम नहीं चलेगा। तो फिर मैंने बाकी बारीकी समझनी शुरू की, तब मुझे समझ में आया कि भाई, हर चीज़ के लिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अगर ज्ञान होता है तो फिर नुकसान नहीं होता है, ज्ञान बगैर नुकसान होता है। जब भी आप फार्म हाउस खोलें या खोलने की सोचें, तो भाई यह है कि पहले पूरी ज्ञान ले लें। बगैर ज्ञान के फार्म हाउस खोलना बेकार है। एक भाई पूछते हैं कि आपकी जो है, मतलब आपका कितने एरिया में है ये सब, आपने जो छोटा सा ये सेटअप लगाया है, कितनी एरिया में लगाया है? तो भाई ये 3rd फ्लोर पे है, 62 गज ये जगह है, तो अगर रेलिंग पे और जगह बढ़ गई होगी 2, है ना, तो 64 हो गई, तो 64 गज में है ये ऊपर वाला हिसाब किताब। और ये इसके ऊपर एक कमरा है, 2 कमरे का एक कमरा है समझो, अगर इसमें बीच में दीवार दी जाए तो ये 2 कमरे हो सकते हैं, लेकिन ये एक ही है। तो ये हमारा खाली था, इसमें हम इसका हम इस्तेमाल नहीं करते थे, तो ये खाली था, तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे ये काम किया जाए। तो उन्होंने इसी तरीके से उसमें 200 मुर्गियाँ लेकर डाल दी थी, तो बहुत सारी मेरी मुर्गियाँ मर गई गर्मी से, या पता नहीं, मुझे पता नहीं था ना, जब जानकारी नहीं थी तो नहीं पता था, तो ऐसी बहुत सारी मरी हैं। रोज़ 3-3 4-4 5-5 6-6 रोज़ का मरना, रोज़ का मरना, मतलब अनलिमिटेड मरी हैं। जो अंडे देने लगी थी और जो बहुत अच्छे अच्छे अंडे दे रही थी, वो गर्मी में दे रही थी ना अंडे, अंडे भी तो ये गर्मी में दे रही थी, गर्मी में तो मरी हैं। जब अब अंडों की ज़रूरत थी तो वो बेचारी है नहीं, तो ये बात है। तो ये 62 गज में है, 64 नहीं 64, क्योंकि दो आगे बढ़ गए ना रेलिंग पे आके, जगह रेलिंग भी तो आगे, मतलब जो क्या बोलते हैं उसे, रेलिंग ही तो बोलते हैं, आगे छज्जा होता है उसमें भी तो जगह बढ़ जाती है, तो 64 गज में है भाई ये। और ये पूछते हैं बाबा आपकी मुर्गी कितनी है, मुर्गी कितनी है? तो भाई मुझे नहीं पता मुर्गी कितनी है, क्योंकि मैं गिन नहीं पाती, जब मैं गिनती हूँ तो आपस में मिल जाती हैं, मिस्टेक हो जाती है। फिर भी सोच के चलो 40 करीबन होंगी, कुछ अंदर कुछ बाहर, ऐसे आइडिया है, पता नहीं कितनी है, असली नहीं पता है कितनी है। और मुझे बढ़ाना है, अभी बढ़ाया नहीं है मैंने, तो ये है बात। कल आया था एक मुर्गी लेके भैया आए थे कल एक, तो वो भी ऐसे ही लाए थे जैसे ये हैं, तो फिर मैंने नहीं ली, क्योंकि मुझे अभी इस वाली प्रजाति की मुर्गियाँ नहीं चाहिए, क्योंकि भाई बोलते हैं कि ये मांस के लिए प्रयोग होती है और ये अंडे कम देती हैं, है ना, तो इसलिए ये वाली मैंने नहीं ली। उनको कह दिया भाई मुझे आप सोनाली ला देना, तो वो लूँगी मैं। तो फिर कहने लगा ठीक है बहन जी, मैं आपको सोनाली वाली मुर्गियाँ ला दूँगा, तो मैंने नहीं ली। कल आए थे वो लेकर, एक भाई आते हैं बहुत सारी मुर्गियाँ, उनसे हम बोल देते हैं ना तो वो ले आते हैं मुर्गियाँ, तो वो फिर ऐसी ठा लाए थे। तो पहले तो मैंने ले ली थी, पहले मेरे हस्बैंड ने ले ली थी कि भाई हमें पता नहीं था ना, हमें तो लगा मुर्गी देसी ऐसी होती होंगी, लाल सी काली सी, हमें क्या पता इनकी भाई प्रजातियाँ भी होती हैं, नस्लें भी होती हैं। तो फिर वो हमें उल्लू बनाने आ गए, मेरे हस्बैंड ने उनको फ़ोन कर दिया था कि आप हमें कुछ मुर्गी ला दीजिए, मुर्गा और मुर्गियाँ चाहिए हमें, हमारी बहुत सारी ख़त्म हो गई हैं। तो वो फिर ले आए, ऐसी ही ठाला है, मेरे हस्बैंड ने सब ने इनको ही ले लें, मैंने कहा नहीं इनको नहीं लेनी, ये पहले से तो हैं ऊपर। और मेरे बहुत सारे भाई हैं जो कहते हैं इन वाली मुर्गियों को सिर्फ मांस के लिए पाला जाता है, अंडों के लिए नहीं। देख लो ये कचरे में ही घुसेगी, सफाई वाले पत्ते नहीं खाने हैं इनको, पता नहीं क्या है ये बात है। तो फिर अब इनका लहसुन खिलाने से मतलब वो
बहुत फ़ायदे हुआ है। तो उन वाले भैया को मैंने लौटा दिया, तो मैंने बोल दिया कि आप सोनाली वाली ला के देना मुझे मुर्गी। तो कहने लगे ठीक है, अगले राउंड में आऊँगा तब सोनाली वाली मुर्गी वो लाएँगे। तो मुर्गे दो हैं अभी, तो ये मुर्गे ज़्यादा हैं तो मुर्गे चाहिए और मुर्गियाँ भी चाहिए, तो ये बात है। बगैर ज्ञान के नुकसान हो जाता है, मेरे हस्बैंड ने भी वही किया है। जब भी आप फार्म हाउस खोलने की सोचें, कोई नया सोचे, तो भाई पहले ये देखें कि हम मुर्गी पाल किस लिए रहे हैं। हम मुर्गी मीट के लिए पाल रहे हैं, हम मुर्गी अंडे के लिए पाल रहे हैं, हम मतलब मुर्गी पाल क्यों रहे हैं, हमें क्या इस करना है। जो ये सोच लिया कि हमें किस लिए पालनी है, कि हमें अंडे के लिए पालनी है कि इन्हें बेचने के लिए पालनी है, अगर बेचने के लिए पालनी है तब भी और अंडे के लिए पालनी है तब भी, फिर ये सोचे कि बेचेंगे कहाँ। क्योंकि मान लिया ये तो दिख गया कि हमने मुर्गी ले ली, अभी अंडे भी देंगे, अंडे खरीदेगा कौन और मुर्गी खरीदेगा कौन। आपने ले लिया, अंडे दे रही हैं, अंडों का ट्रक भर गया पूरा, फिर वो बेचेंगे कैसे, बिकेंगे कहाँ, क्या प्राइस से बिकेंगे। भाई पहले सेल की सोचना कि हम जो हमारा मान लिया हमने ले लिया तो फिर हम इन्हें बेचेंगे कहाँ पे, और जितनी हमारी लागत लग रही है उतने कहाँ क्या हमारे अंडे बिक रहे हैं, पूरी डिटेल सोचना पहले, बेचने की सोचना लेने से पहले कि हम अगर ये लेते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए तो हम इनके अंडे कहाँ सेल करेंगे। तो हमने ली नहीं है तो हमने सोचा कोई भी ले लेगा अंडे, लेकिन अंडे हर कोई ले ही नहीं लेता है, क्योंकि इसके अंडे थोड़े महंगे होते हैं और सर्दियों में तो फिर भी ले लेंगे, सर्दियों में अंडे कम देती हैं, सर्दियों में तो फिर भी बिक जाता है, गर्मी में नहीं बिकता है, गर्मी में बहुत परेशानी बन जाती है अंडों की, इतनी मात्रा में ये अंडे देंगी और ये वो बिकेंगे नहीं। ठीक है, हर बिजनेस के दो पहलू होते हैं, है ना, तो एक ही पहलू देख के काम करना कोई सेंस वाली बात नहीं बनती है। भाई ये देख लिया कि भाई हमने बहुत सारी मुर्गियाँ ले ली, चलो मुर्गियाँ ले भी ली, पाल भी ली, और वो मर भी नहीं रही, ठीक भी हैं, हेल्दी भी हैं, सब कुछ आप कर रहे हो, मगर जो उन्होंने अंडे दिए तो वो कहाँ बेचोगे, ये भी सोचना। ठीक है कि आप अंडे जो ये जो फल आपका तैयार हुआ है, आपने जो पेड़ लगाया है उसका जो फल आप तैयार कर रहे हैं, फल मिला है आपको तो वो कहाँ बेचोगे जिससे आपका प्रॉफिट हो, या फिर आप मांस के लिए बेच रहे हैं तो फिर मांस के लिए भी कहाँ बेचोगे। क्योंकि जब तुम इनको बेचोगे तो ये भी जो चिकन होता है, वाइट मुर्गे जो होते हैं, तो वो जो क्या कहते हैं उसे नॉर्मल जो होते हैं, तो जो उसका चिकन का प्राइस होता है और इसके चिकन के प्राइस में फ़र्क होता है, क्योंकि ये रेयर है और वो नॉर्मल है, तो नॉर्मल के रेट कम होते हैं और इसके तो ज़्यादा ही होंगे ना, तो ये महंगा बिकना चाहिए ना, समझो, इसके प्राइस भी महंगे होने चाहिए। तो अगर कोई तुम्हारा खरीद सकता है महंगा ये भी टंटे हैं एक बात के टंटे नहीं है इसमें, टंटे बहुत हैं मतलब अब वो जो ला रहे हैं मुर्गा, अब तो मुझे पता नहीं क्या प्राइस हो रहा होगा चिकन का, वो जो वाइट वाले जो मुर्गे होते हैं तो उनका क्या, तो इनका क्या, ये भी नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या रेट होंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही लाते हैं, मुझे नहीं पता, तो ये उससे महंगे ही है। लोग सोचते हैं कि भाई इतना महंगा खरीदो सस्ते में काम चला लो, जो थोड़े रिच लोग होते हैं, थोड़े मालदार होते हैं वो खरीद लेते होंगे, या वो बहुत से होते हैं ज़रूरतमंद वो खरीद लेते हैं। सर्दियों में तो ये भी बिक जाएंगी, क्योंकि भाई सर्दी है, अगर गर्मियों में तो नहीं बिकेंगी, गर्मियों में ये घर से खाएंगी, अंडे बिकेंगे नहीं, मुर्गी भी बिकेंगी नहीं, और सर्दियों में अंडे भी बिकेंगे और मुर्गियाँ भी बिक सकती हैं, लेकिन ये अंडे तो 12 महीने ही देंगी, कभी कोई सी। सर्दियों में तो डिमांड अंडों की ज़्यादा होती है, तो लेकिन वो अंडे बिकते नहीं, सॉरी सर्दियों में बिक जाते हैं, गर्मियों में बिकते नहीं, और सर्दियों में ही अंडे कम देती हैं। तो हर बिज़नेस के दो पहलू हैं, तो पहले आप फार्म हाउस खोलने से पहले उसे सेल करने की सोचें कि भाई इसे सेल हम कहाँ करेंगे, क्या हमारा जो प्रॉफिट है वो हम कैसे करेंगे। आपको आपने मुर्गी फार्म खोल लिया मेरी तरह, और फिर आपको यही नहीं पता कि अंडे कहाँ बिकेंगे, और आपने फ्रिज भर लिया, दो दो तीन तीन फ्रिज भर लिए तो आपको सेल करना ही नहीं आ रहे अंडे, थोड़े बहुत बिक रहे हैं, सारे फ्रिज में भरे हैं, तो ये कोई सेंस नहीं बनता, तो फिर प्रॉफिट हुआ कहाँ, बताइए आप।
और फ्रिज में भी आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, तो वो भी ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादा लंबे समय तक हम अंडों को नहीं रख सकते हैं फ्रिज में, क्योंकि जब बहुत हो जाएंगे 10-15 दिन रखे रखे अंडों को, तो जब उसे फोड़ेंगे ना तो वो अजीब सी स्मेल आने लगेगी उन अंडों से, फ्रिज चलते हुए भी। तो ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते हैं फ्रिज का मतलब ये नहीं है कि तुम महीनों तक उसमें अपना सामान घुसड़े रखो, उन्हें सेल करो। तो भाई सेल करने के पहले सोचना कि अगर हमने फार्म हाउस खोला तो हम सेल कहाँ करेंगे, बेचने की डिज़ाइन पहले सोचना दिमाग में। मेरे हस्बैंड ने भी तो यही सोच के लिया था कि बस मुर्गी आ जाएंगे, अंडे तो बिक जाएंगे, अंडे तो बिक जाएंगे। अंडे कैसे बिकेंगे, इसके अंडा महंगा होता है और नॉर्मली अंडा सस्ता होता है, तो सब सस्ते पे सस्ते ही खाएंगे भाई। 20 रुपये का अंडा कौन लेगा जब 10 रुपये का मिल रहे हैं, 10 रुपये का अब तो 10 का ही मिल रहा दिखे, 10 रुपये का ही शायद है प्राइस नॉर्मल अंडे का, और देसी का 20-25-30 ऐसे होता है ना। तो मान लिए 30 रुपये में एक अंडा आ रहा है और 30 रुपये में 3 अंडे आ रहे हैं, तो भाई 3 ही खरीद लेंगे लोग। हाँ लेकिन अगर कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और जो जिम लड़के जो जिम करते हैं ना, जो जिम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये हमारे देसी अंडे, ये इनके लिए बहुत अच्छे हैं। तो वो ऐसी किसी जगह आप सेल करने की सोचना, जैसे कोई जिम जो लोग करते हैं उनसे बात करना पहले, इनकी सेल अंडों की सेल का सोचना कि भाई कहाँ बिक सकते हैं। क्योंकि अगर मुर्गी आपने खैर ले ली, फार्म हाउस खोल भी लिया, अंडे भी दे दिए, बेचोगे कहाँ, इतनी मात्रा में अंडों को बेचोगे कहाँ। जब वो अंडे बिकेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा, या ये मुर्गी बिकेंगी तभी तो प्रॉफिट होगा, है ना। तो हमने भी कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं सोचा ये सब कहाँ बिकेगा। मैंने कहा था कि अयूब जी चलो मुर्गी ले ली तो अंडे बेचेंगे कहाँ, कचरा मत फैला। तो बोले कि बिक जाएंगे, अंडे भी बिक जाते हैं। मैंने कहा भाई इनकी भी वो करनी पड़ती है, अंडे बेचने के लिए भी इनकी भी पब्लिसिटी करनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि हमारे यहाँ देसी अंडे बिकते हैं, आप यहाँ से ले लो, बताना पड़ता है, पब्लिसिटी करनी पड़ती है। जब किसी को पता ही नहीं है कि आपके यहाँ देसी अंडे बिकते हैं तो फिर लेगा कौन, पता भी तो होना चाहिए ना कि हाँ देसी अंडे मिल जाएंगे, तभी तो लोग खरीदेंगे, है ना। तो ये बात है, तो बहुत सोचना पड़ता है इसमें, इनकी बीमारियाँ, इनके जब भी अंडे देने कहाँ बेचना है, किस रेट में बेचना है, कभी सस्ते में बेचना पड़ता है, कभी महंगे में रेट बेचना पड़ता है। भाई फ्रिज भर गया, फ्रिज भरा है पूरा अंडों से और फिर वो बिक ही नहीं रहे, तो फिर आप क्या करेंगे, तो सस्ते में बेचोगे ताकि निकल तो जाए, फिर सस्ते में बेचने पड़ते हैं ताकि ख़त्म हो फ्रेश अंडे, अंडे तो रोज आ ही रहे ना मुर्गियों के, तो सस्ते में भी बेचना पड़ता है और कभी कभी सही रेट में बेचना पड़ता है। अब कल ही मेरे यहाँ मतलब जैसे 14 अंडे दे रही हैं, तो 4-5 अंडे तो हम घर में ही इस्तेमाल कर लेते हैं और बाकी जो अंडे हैं वो हम इकट्ठे कर लेते हैं, तो फिर उन्हें बेच देते हैं। किसी कोई बोल दे कि हमें भाई क्रेट अंडे कर दो, तो हम उन्हें दे देते हैं क्रेट करके अंडे। ज़्यादा तो है नहीं ना मुर्गियाँ, ज़्यादा मात्रा में तो नहीं है, लेकिन जितनी हैं जितनी दे रही हैं वो दे रही हैं। बाकी और 2-4 दिन में और बढ़ेंगी मुर्गियाँ, ये आ जाएंगे वो भैया लेके मुर्गियाँ, ये है बात। कचरा ना कर, देखिए आज भी सब मुर्गी हैं, अंडे नहीं अभी तक दिया, एक अंडा है यहाँ दुबका रखा है, अहो देखिए एक अंडा यहाँ पे दुबका हुआ है, दिया है एक, वहाँ बैठी है, थोड़ी देर बाद दे देंगे ये अंडे, एक वहाँ बैठी है और एक और बैठी है वहाँ पर, धीरे धीरे करके देंगी ये अंडे। देखिए एक वो आ गई है, वो भी अंडा देने के लिए ही आई है, दूसरे राउंड में आऊँगी तब लेकर जाऊँगी। चलिए दोस्तों चलती हूँ मैं, ध्यान रखिएगा अपना, और सोच समझ के अगर खोलना चाह रहे फार्म हाउस तो सोच समझ के खोलिएगा। लहसुन खिलाइएगा इन्हें, लहसुन में बहुत फ़ायदे हैं, बीमारियाँ दूर भाग जाती हैं। चलिए दोस्तों अपना ख्याल रखें, खुश रहें अपने परिवार के साथ,
मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।